मुझे ना अपने बैकएंड पे काम करना चाहिए यार। बैकएंड से पहले ना जस्ट ट्राई हिटिंग द बॉल। आई वाज ट्राइंग टू हिट द बॉल। तेरे वहां लाइट ना एकदम मुंह पे आती है तो उस ग्लेयर की वजह से आई वाज मिसिंग इट। डिस्ट्रैक्ट हो गया था तू। हां ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। खैर ये सब छोड़ दू, तू सैटरडे को कम फॉर ब्रंच गेट टीना। टीनाज आउट ऑफ टाउन। तू घर आ जाना। आई वुड लव टू यार, पर सैटरडे को मेरी एनिवर्सरी और एनिवर्सरी वाइफ के साथ बितानी चाहिए, ट्रस्ट मी। ओह कांग्रेचुलेशंस। तो इस बार एनिवर्सरी याद है आपको, गिफ्ट तो लाना नहीं भूला ना लास्ट टाइम की तरह। नहीं नहीं, इस बार बात हो गई हमारी, रोहिणी को कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, जो कुछ भी चाहिए था वो तुमने मुझे ऑलरेडी दे दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, आई ऑलरेडी हैव यू। यार तुम्हारी रिलेशनशिप कुछ अलग ही मैच्योरिटी पे पहुंच गई है ना, नेक्स्ट लेवल। 8 साल हो गए लेकिन तुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि चाहे वो कुछ भी कह ले तुझे उसे गिफ्ट देना है। ये क्या लॉजिक हुआ यार? तू शीशे पे हाथ मारेगा तो शीशा तो टूटेगा ही, साथ में तेरा हाथ भी कटेगा ना। आइंस्टाइन क्या शीशा हाथ कटेगा लॉजिक, व्हाट आर यू टॉकिंग। अरे आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हां तो थर्ड लॉ ही तो फॉलो कर रहे हैं, रोहिणी को भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ग्रेट देन, आई मीन प्योर मैच्योर। एनीवे तू आ जा सैटरडे को। अरे और कौन कौन आ रहा है? वेल अभी मीरा तो बाहर है, सो इट्स यू मी रोहिणी समीर सोनाक्षी। ओ समीर भी आ रहा है, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ उसे कॉल करूँ। चल सैटरडे को ही बात कर लेंगे। समीर से क्या बात करनी थी तुझे? यार आई वांटेड टू टॉक टू हिम अबाउट क्रिप्टोकरेंसीज, काफी सालों से इन्वेस्ट कर रहा है वो। तू क्या ये स्पोर्ट्स वेयर पहन के आ गया, जिम जा रहा है क्या? ये स्पोर्ट्स वेयर नहीं है, इट्स एथलीशियर। हाँ यार तू देखा नहीं है क्या, आजकल सारे फिल्म स्टार्स का एयरपोर्ट लुक यही होता है। पर ये फिल्म स्टार थोड़ी है ना, ये एयरपोर्ट है। अरे रोमित, मैंने तेरा मिस कॉल देखा, सॉरी आई कुडंट कॉल यू बैक। क्या हुआ, क्या काम था? यार एक्चुअली 2.5-3 साल पहले यू टोल्ड मी यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोकरेंसीज लाइक बाइंग बिटकॉइन एंड ऑल, यू स्टिल डूइंग इट? या ऑफ कोर्स, टच वुड, बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। अच्छा, क्या फिनोमिनल ग्रोथ हुई है भाई 3 साल में। यार मुझे भी स्टार्ट करना है बट समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, लाइक कुड यू गिव मी सम मोर इन्फो? अरे ऑफ कोर्स यार, बहुत सिंपल है, मैं तो अपनी सारी ट्रेडिंग वजीर एक्स पे करता हूँ। दे गॉट अ क्विक बाय फीचर। क्विकली बाय तो आदमी तभी करेगा ना जब पैसे होंगे। तेरे को पता है बिटकॉइन कितना महंगा होता है? अरे यार तो तुझे पूरा बिटकॉइन खरीदने की जरूरत थोड़ी है, यू कैन बाय इन फ्रैक्शंस। अबे पूरा बिटकॉइन तो मेरे पास भी नहीं है, यू कैन बाय फॉर एज लिटिल एज 100 रुपीज ऑल्सो ऑन वजीर एक्स। 100 रुपीज में तो ढंग की आइसक्रीम नहीं आती यार। बिटकॉइन क्या आएगा? लुक ऑल दिस इज वेरी टेक्निकल। यार तू चुप यार, बट टेल मी व्हाई वजीर एक्स? बिकॉज़ वजीर एक्स इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, दे हैव गॉट मोर देन 5 मिलियन यूजर्स। बहुत सिंपल है, ये देख मैं दिखाता हूं तुझे। डन, देखा, सिंपल फास्ट एंड द चीपेस्ट वे टू बाय बिटकॉइन इन इंडिया। यार ये तो सही है, मैं भी इसका ऐप डाउनलोड कर रहा हूं। But I'm gonna call you for tips, huh? Yeah, sure, go ahead. Happy anniversary. Baby, हम लोग ने तो डिसाइड किया था ना कि गिफ्ट्स एक्सचेंज नहीं करेंगे। I know, पर जब तुमने कहा ना उस दिन कि गिफ्ट्स देने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि ओकेजन को मेरे लिए स्पेशल बनाना चाहते हो, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर किया होगा तुमने। But I didn't want to spoil your surprise, so. और कितना बुरा लगता तुम्हें जब तुम मुझे कुछ देते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई होती, so. Happy anniversary. You know me so well. Happy anniversary. Oh, you didn't have to, baby. Oh, this is so sweet. न्यूटन्स लॉ काम आया ना? अबे तेरा न्यूटन्स लॉ नहीं है, ये मेरा लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू गिव पॉजिटिविटी, यू गेट पॉजिटिविटी। बेबी क्या? ओ अच्छा, लिसन मैं सोच रही थी तुम बहुत दिन से मेरे वाली ब्रेड पुडिंग खाना चाहते हो ना? या तो आज बना दूं? यस प्लीज। और हां तुम कोई फुटबॉल गेम देखना चाहते थे ट्यूसडे को? हां बट यू कैन मेक अ प्लान विद रोमित नाउ ही इज हियर। या श्योर श्योर या ओके। देखा, गिव पॉजिटिविटी गेट पॉजिटिविटी। मुझे लगता है मोनिका इज द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर। क्यों? आई रियली लाइक हर यार, शी इज सो परफेक्ट।
और मोनिका और चैंडलर की केमिस्ट्री तो इट्स अमेजिंग. बट रॉस एंड रेचल देयर केमिस्ट्री इज द बेस्ट. व्हाट बेस्ट? हर वक्त किसी ना किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं दोनों. इतनी आर्ग्यूमेंट हर रिलेशनशिप में होती है. नो, आई डोंट अग्री विद यू, नॉट एट ऑल. मुझे और समीर को ही देख लो, हम दोनों किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं करते. इनफैक्ट वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज, है ना समीर? या या, हमेशा. मैं इसकी हर बात मानता हूँ. और मैं तुम्हारी? हाँ, और ये मेरी. ए, पकोड़े लेके आता हूँ, एक मिनट. अरे, किसी ने रियूनियन देखा क्या? हमने देखी है, तो लव्ड इट. रियली? मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग सा लगा था. क्या बात? Here we go. Oh, oh, oh. Guys. Have some guys, बहुत अच्छे हैं. Go. Actually, हम दोनों ने एक नई डाइट शुरू की है, which is started last week. इसमें हम दोनों कुछ फ्राइड नहीं खा सकते हैं, है ना समीर? Yeah. Oh, nice. Of course, the diet. Thanks for reminding, huh? ना डाइट की तो लग जाती बात. मोटा हो जाता आज तू, बच गया. तो मैं रियूनियन की बात कर रहा था. मुझे ऐसा लगता है जोई कमिंग ऑन स्टेज विद ऑल दोस क्लोथ्स वाज द कूलेस्ट थिंग एवर. बेस्ट ऑफ द कूलेस्ट पार्ट, सीरियसली. ए, वन मिनट, मेरे पास एक मेमोरेबिलिया है, मैं दिखाता हूं तुम लोग को. हमारी डाइट, हमारी डाइट. ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ठंडा पानी नहीं पी सकते, रात को कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, बारिश में भीग नहीं सकते. अरे आई एम द मैन यार, आई डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू. तुमको करनी है तो तुम करो ना डाइटिंग, मुझे क्यों खींच रही हो उसमें? ठीक है यार, ये सॉरी वॉरी मुझे नहीं सुनना है यार. क्या हुआ ब्रो? ठीक है ना तू? तू टेंशन मत ले, आई एम गुड. अभी मेडिटेशन करने के बाद मैं एकदम मस्त हूँ. मेडिटेशन कर रहा था तू? हाँ, अभी बाथरूम में मैं मेडिटेट कर रहा था. सुनी मैंने तेरी मेडिटेशन, आज तो तुझे बहुत मेडिटेशन करनी पड़ेगी. नहीं नहीं, मेरा हो गया, आई एम गुड. अभी सिर्फ पकोड़े आए हैं, अभी स्प्रिंग रोल्स आएंगे. आई लव स्प्रिंग रोल्स. और उसके बाद डीप फ्राइड कबाब. आई लव कबाब्स. इनफैक्ट सारे स्टार्टर्स डीप फ्राइड हैं. अरे यार, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हम दोनों आपस में डिसाइड करके कपड़े पहनते इतना काफी नहीं है क्या? ये साथ में डिसाइड करके खाना खाने की क्या जरूरत है यार? Feel you bro, I feel you. तू law of averages use करना. मतलब? अरे law of averages, it's a universally recognized law. अगर तू 100 multiple choice questions का जवाब A देगा, तो 25 तो right निकलेंगे ना. तो अब जब पकोड़े, spring roll, kebab आएंगे और तू खाने जाएगा, तो वो दो बार मना करेगी, तीन बार, चार बार, पांच बार, छठी बार उसको मानना ही पड़ेगा, तब kebab kebab. खा लो यार, you just embarrassing me right now. ऐसा behave कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें कुछ खाना खाने ही दे देती. अब आप खा ही लिया है तो मैंने थोड़ा स्प्रिंग रोल भी खा लेता हूँ. डाइट की तो वैसे ही पार्ट लग गई ना. सही तो कह रहा है, एक खून की सजा भी फांसी, दो खून की सजा भी फांसी, तो तीसरा भी कर ले, है ना? मैं बस अभी आई. Excuse me, Samir. देखा, it worked. Law of averages always works, bro. सही बोल रहा है यार तू. तो ये घटिया आइडिया तेरा था मतलब? घटिया क्या है? भाई खा रहा है, मजे कर रहा है, सेहत बना रहा है. अब इसकी लाइफ में लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से मर्फीज लॉ एक्टिवेट हो गया है. मतलब व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग. और इसका मतलब तो तुझे घर जाके ही पता चलेगा. ओह शिट. अरे तो मैं इसको अंडू कैसे करूं? इसे अंडू नहीं कर सकते. क्या? ये कार्यक्रम कब खत्म होगा ये तो तेरी बीवी बताएगी. एक हफ्ते में या फिर एक महीने में. अरे इसकी मत सुनिए, हमेशा नेगेटिव. चुप रहे यार, ही इज मेकिंग सेंस. तेरी बात सुननी नहीं चाहिए थी मुझे. अच्छा तो अब मैं क्या करूं यार? स्प्रिंग रोल खा ले. अरे तुमने वो शो देखा, हार्मनी?
सुना तो है मैंने, देखा नहीं है यार, व्हाट्स इट अबाउट? अरे इतना पकाऊ शो है, आई एम टेलिंग यू इट्स सो बोरिंग, मतलब लोग खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, फिर पार्टी चल रही है तो पार्टी चली जा रही है, कोई पॉइंट ही नहीं है किसी चीज का, इतना बोरिंग है, मैं तो दो एपिसोड्स के बाद देख ही नहीं पाई सीरियसली, इसीलिए मैंने अपने टाइम पे ही देख लिया। सो इट्स अ फैमिली ड्रामा अबाउट वेल्थ, कांस्टेंट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, माइंड ब्लोइंग। यार दिस साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग, मैं तो आज ही शुरू कर रहा हूं। हम भी देखें, सुना घर जाके देखेंगे। एक्चुअली मैं भी एक बहुत अच्छा शो देख रही हूँ, इट्स कॉल्ड सूट्स, देखा है किसी ने? अरे इतना पुराना शो यार, ये बासी शो नहीं, इसके बारे में नहीं बात करनी, तू वो बता यार। शो में क्या होता है, इट्स टू ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन अमेरिका। बेबी मुझे भी देखना है। हाँ बेबी यू मस्ट सी इट। तो ये जो दो फैमिलीज है ना, उसमें से एक, वाओ तुम देखोगे ना मेरे साथ? ठीक है, सो वी विल वॉच इट टुगेदर। साथ में कैसे देखेंगे बेबी? तुमने कहाँ तक देखा है? मैं 7th एपिसोड, 2nd सीजन के। हाँ तो ठीक है, मैं वहां तक फटाफट कैच अप कर लेती हूँ, फिर उसके आगे से साथ में देखेंगे। बेबी मैं आगे देखना चाहता हूँ। हाँ तो कितना टाइम लगेगा, कितने लंबे एपिसोड्स हैं? एक एक घंटे का एक एपिसोड है, तो मतलब 17-18 घंटे लगेंगे, तो 2-3 दिन में कैचअप कर लूंगी। तुम सब काम छोड़ के टीवी देखती रहोगी 3-4 दिन? ये भी पॉइंट है। तो ऐसा करो ना, तुम दोबारा देख लो मेरे साथ। दोबारा कैसे? इतना अच्छा शो है तो देख सकते हो यार। मतलब आई एम इन द जोन, यू नो व्हाट, मैंने भी तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन दोबारा देखी थी। Hey, what happened? स्पाइडरमैन 1.5 घंटे की पिक्चर है। तो 1.5 घंटे की थी तो क्या हो गया? इट्स द इमोशन दैट काउंट्स। दोबारा तो देखी ना मैंने, और पता है मैंने जब तुम्हारे साथ देखी थी तो मैंने और भी ज्यादा एंजॉय की थी। तुम भी ये मेरे साथ देखोगे तो और ज्यादा एंजॉय करोगे। एंड इट्स माय एनिवर्सरी बेबी, कम ऑन, आज से ही स्टार्ट करते हैं। हां अरे सोनाक्षी, मैंने तुम्हें वो ड्रेस दिखानी थी जो मैंने लास्ट वीक ऑर्डर की, कम ना क्विकली। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रैक्शन कम हो रहा है। देख, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एवरेजेस, मर्फीज लॉ, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ द लैंड, ये सब लॉज एक तरफ, द वाइफ्स लॉ एक तरफ। ये कौन सा लॉ है? ये स्कूल में नहीं पढ़ा हमने। ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता, जीवन की पाठशाला में सीखा जाता है। मतलब having control over the vantage point of any situation so as to modify it to one's own advantage depending on which side of the table you're sitting on. क्या क्या? अर्थात चित भी मेरी, पट भी मेरा, अंठा मेरे बाप का। having control over the vantage point of क्या बोला है यार? उसको बोल ना, इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और वजीर एक्स के साथ स्टार्ट कीजिए। एंड द गुड न्यूज इज दैट द फर्स्ट 500 फैंस हु यूज द लिंक बिलो टू डाउनलोड वजीर एक्स एंड यूज कूपन कोड क्रिप्टो SIT विल विन 1 WRX टोकन फ्री। Also guys, if you like this episode, please like, share and subscribe to SIT. Yes, and yes, we have to welcome Karan urf Romit and Aditya urf Samir. And guys, Tanvi is married to Aditya in real life. So that is another chemistry going on here. Yes. So I have no escape. You have no escape. Yeah. हम लोग तो शूटिंग करके घर चले जाएंगे, तू भी घर जाएगा. So do leave us a comment and tell us how you like the video. We'll see you the next time. This is all of us signing out. Love and peace. Us to you. वो तो दिख ही रहा है तेरी. Sorry. Who's going to say my dialogues? क्या हो जाता अगर एक पकोड़ा खा लेता तो? एक काम करता हूँ, फ्रिज में ना कच्चा पनीर पड़ा है, निकालता हूँ, नमक डालता हूँ और तुझे देता हूँ, वो खा ले. Geeks. I hate पनीर. चित भी मेरी, पट भी मेरा, अंठा मेरे बाप का. अंठा, अंठा, लाइक घंटा, अंठा, अंठा. अब आ गया.